सटी विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। लीडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। सच के साथ केवल बिहार और न्यूज पर खबर को देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज, मैं पुष्पा गुप्ता। डेहरी नगर थाने की पुलिस और एलटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, 16 लीटर देसी महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। रोहतास एसपी आशीष भारती के निर्देश पर डेहरी नगर थाने की पुलिस और एलटीएफ की टीम ने थाना क्षेत्र के कमरनगंज में छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने 16 लीटर देसी महुआ शराब के साथ धर्मेंद्र चौधरी पिता भागीरथ चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रोहतास पुलिस ने जिले में अपराधियों और शराब तस्करों के विरुद्ध चलाया छापेमारी अभियान, 22 अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार। रोहतास एसपी आशीष भारती के निर्देश पर संपूर्ण जिले में अपराधियों और शराब तस्करों के विरुद्ध रोहतास पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 22 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी अपराध कर्मियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रोहतास पुलिस ने जिले में अपराध नियंत्रण के लिए चलाया सघन वाहन जांच अभियान, 25 वाहनों से 15,500 रुपए का काटा जुर्माना। रोहतास एसपी आशीष भारती के निर्देश पर जिले में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पूरे जिले में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 213 वाहनों की सघन तलाशी ली गई, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 वाहनों से 15,500 रुपए का जुर्माना रोहतास पुलिस के द्वारा काटा गया। डेहरी नगर थाने की पुलिस ने NH2 से अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। रोहतास एसपी आशीष भारती के निर्देश पर जिले में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत डेहरी नगर थाने की पुलिस ने NH2 से अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। उक्त मामले में पुलिस द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।